लंच ब्रेक में स्वागत है। कोरोना संक्रमण ने त्योहारों को निगल लिया है। इस वर्ष ईद के बाद बकरा ईद भी इसकी चपेट में है, वहीं रक्षाबंधन का पर्व भी इसकी भेंट चढ़ गया है। नागपंचमी के दिन डीएनएन के सूने पड़े फिरोजाबाद के बाजारों का हाल जाना और जानी लोगों की प्रतिक्रिया। मजदूरों के साथ व्यापारी, महिलाओं और बुजुर्ग सभी इस दंश से बेजार दिखे। आइए जानते हैं सबका दर्द। जैसा कि सभी को मालूम है, उत्तर प्रदेश के अंदर मिनी लॉकडाउन शनिवार और इतवार का मिनी लॉकडाउन है, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि इस बार त्योहार भी पड़ रहे हैं और ईद भी है और रक्षाबंधन भी है, साथ में दोनों त्योहार हैं और मिनी लॉकडाउन है। आप देख सकते हैं बाजार में सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और सन्नाटे के बीच में जिस तरीके से लोग, क्योंकि त्योहार है और इस त्योहार के मद्देनजर लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं, तो उनसे आज जानेंगे, आज जनता से जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इस त्योहार के मद्देनजर उनको परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लागू है। और फिरोजाबाद में बात करें तो फिरोजाबाद में अभी कोरोना का कहर है, तो यहाँ पर जनता हमारे साथ मौजूद है। हम जनता से जान लेते हैं कि किस तरीके की कठिनाई उनको ईद और रक्षाबंधन के इस त्योहार पर देखनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगीना। क्या ईद आने वाली है तो अब लॉकडाउन लगा हुआ है, किस तरीके की समस्याएं आपको? बहुत बड़ी समस्या है, तो खरीदारी फिर कैसे चल रही है, कैसे? अभी तो कुछ नहीं, खरीदारी करी नहीं है अभी। तो क्या क्या चाहती हैं सरकार से, क्या ऐसी आप गुहार लगाना चाहती हैं कि जिससे कि त्योहार भी हमारे रक्षाबंधन भी, हमारी ईद भी है, तो कुछ तो ऐसे हुए। अब जो शनिवार को रविवार को लॉकडाउन लगाया, फिर क्या करेंगे जी? हाँ, क्या काम करते हैं आप? जी बेलदारी करते हैं भैया, बेलदारी करते हैं। तो काम वाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा, आज नहीं मिल रहा काम। गैर हो गए, 4-5 महीने हो गए, ऐसे बैठे हैं, आते हैं चले आते हैं, बाजार बंद है, त्योहार दोनों साथ में आ रहे हैं, रक्षाबंधन ईद, पर कुछ काम धंधे है नहीं, सब बाजार बंद है। मतलब इस बार कठिनाई बहुत तो और क्या कठिनाई है, वो तो सब काम धंधे नहीं है तो कछु ना। वही घूम के प्यासे रह रहे हैं, यहाँ वही किराए पे रहने वाले। जैसे ये तमाम साथी जो सो रहे हैं, ये मजदूर तो सोते रहेंगे और क्या करें, घरे जाएंगे, लाठी खाएंगे। क्यों सो रहे हैं? क्यों काम नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा है। और क्या समस्याएं आ रही हैं? और क्या है, यही समस्या है, काम की समस्या है, काम मिलता रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, DNN News के लिए फिरोजाबाद।